भी बहुत अफसोस रहा हूँ। मुझे पता है कि फैंस को जबरदस्त चोट लगी है क्योंकि ये मैच जीतने वाला था, और अगर आप 120 रन चेज नहीं कर सकते हैं, चाहे जैसी मर्जी विकेट हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो, तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता है कि वर्ल्ड कप में उम्मीदें लगा के बैठे। शॉकिंग, सरप्राइज, डिसअपॉइंटेड, बट आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू पाकिस्तान, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू लूज दिस गेम। हम यहाँ बैठ के बात करते हैं तो बोलते हैं ये गद्दार हैं, ये मुल्क के खिलाफ बोलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूँ और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग, तकलीफ दे बात है, इन्हें मुल्क का ख्याल नहीं है। इंडिया 120 में आउट हुआ, मैं खुश था कि यार इसने मेरे पाकिस्तान को मौका दिया। अबे 120 रन की औकात नहीं है तो पाकिस्तान का बच्चा तुम्हें सही बद्दुआ दे रहा। $3,000 का ट्रैक्टर बेच के ये पाकिस्तान से इधर है और इनकी आप हालत चेक करें। ये आर्मी ने ट्रेनिंग की है, इनको कॉमन सेंस नहीं है, ये 25 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, छोटा सा टारगेट पूरा नहीं कर सकते, बड़े शर्म की बात है हमारे लिए। इसको हार्ट अटैक हुआ होता है तो उसकी नब्ज बंद होने से पहले वो पहले ऐसे ऐसे जाते हैं, फिर फ्लैट लाइन हो जाती है। तो पाकिस्तान की बैटिंग का भी वही हाल किया जसप्रीत बुमराह ने कि पहले ऐसे 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 और फिर फ्लैट लाइन। रिस्ट्रिक्टिंग इंडियन बैटिंग एंड 119 वाज अ मैसिव स्पेशल एफर्ट फ्रॉम द बॉलर्स। कैसे 48 पे 48 रन रह गए, 8 विकेट इन हैंड्स है। ऐसे भाई खफा हो रहे हैं, मैं इनसे पुराना टीवी कर रहा हूं। नहीं भाई गुस्सा कर रहे हैं, उन्होंने चेंज नहीं होना। याद रखना आप एवरेज बंदों से, एवरेज लोगों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज डिमांड कर रहे हैं, आपको नहीं मिलेगी। जीता हुआ मैच आ गया, 6 रन की एवरेज को 18 पे ले गए आखिरी ओवर में। बातें सुन ले, अगर आप 120 नहीं करते हैं तो फिर क्यों आप क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे आज मैच देख के लगा कि इंडिया के किसी बल्लेबाज ने कुछ किया ही नहीं, ये फिर भी हार गए। मुझे पता है कि फैंस को जबरदस्त चोट लगी है क्योंकि ये मैच जीतने वाला था, और अगर आप 120 रन चेज नहीं कर सकते हैं, चाहे जैसी मर्जी विकेट हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो, तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता है कि वर्ल्ड कप में उम्मीदें लगा के बैठे। ना एप्लीकेशन है, ना क्वालिटी क्लास है, ना कोई गेम अवेयरनेस है। एक अच्छी टीम आती है तो हम थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं और फिर हर चीज जो है वो हमारे हाथ से निकल जाती है। एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, एग्रेसिव एक इनिंग्स की जरूरत थी, कोई तो हमला करता। ये मैच आइडली तो 16 ओवर्स में खत्म हो जाना चाहिए था। जसप्रीत बुमराह, देखिए मैंने पहले भी ये कहा है, बहुत दफा कहा है कि ये अब एक अपनी ही लीग में है, ये बाकी सबको पीछे छोड़ गए हैं जसप्रीत बुमराह, क्योंकि जितना बड़ा मुकाबला उतनी बड़ी परफॉर्मेंस। सो कहीं पहला ओवर किया होता तो शायद ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप है पाकिस्तान की, ये भी वहां तक ना चलती और भारत बहुत जल्दी इस मैच में आ जाता। वो एक बुमराह के 2 ओवर अगर हम सह गए तो फिर हम तर जाएंगे, मगर ऐसा होने पाकिस्तान कहां देता है। इसको हार्ट अटैक हुआ होता है तो उसकी नब्ज बंद होने से पहले वो पहले ऐसे ऐसे जाते हैं, फिर फ्लैट लाइन हो जाती है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा अपसेट, एशिया की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी टीम पाकिस्तान का सफर इख्तिताम को पहुंचा। आज के मैच में पाकिस्तान और इंडिया के दौरान जो आउटफील्ड थी वो बहुत बुरी थी, जो पिच थी वो बहुत बुरी थी। पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करवाई और इंडियन टीम को 119 पे ऑल आउट कर दिया, यानी कि 120 का टोटल था, जो कि बहुत आसान था पाकिस्तान के लिए। लेकिन इंडियन टीम की खतरनाक बॉलिंग लाइनअप, जिसका सबसे बड़ा खतरा था पाकिस्तान को, वही हुआ। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सिराज, अर्शदीप जडेजा, अक्षर पटेल, ये 3-4 बॉलर थे जिन्होंने घुमा दिया पूरे के पूरे मैच को। शुरू में ही बाबर की विकेट गिरी, उसके बाद रिजवान ग्रीस पर डटे, उसके बाद उस्मान आउट हुए, उसके बाद फखर जमान, इफ्तिखार शादाब, उसके बाद इमाद वसीम टुकटुक लगाए रखा, कोई भी खिलाड़ी स्कोर ना कर सका। आज के मैच में जो घटिया शिकस्त हुई उसके बाद सुहेब अख्तर का कहना है कि आज के बाद पाकिस्तान टीम से दिल उठ गया है, क्योंकि पहले ओडीआई वर्ल्ड कप में जो हार थी उसमें जो लगा था कि पाकिस्तान टीम ने एफर्ट की है, लेकिन अभी 2 मैच हार कर पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान टीम तीसरे दर्जे की थकी हुई टीम है। वसीम अकरम का कहना है कि आज के मैच में परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल नाकाबिले यकीन थी, एक मौके पर सारा का सारा मैच पाकिस्तान के हाथ में था, लेकिन फिर पाकिस्तान टीम इजी होगी कि हम कर लेंगे, लेकिन आखिरकार इजी होना पाकिस्तान के गले पड़ गया। पाकिस्तानी मीडिया ने खूब रोना धोना मचाया आज के मैच के बाद। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि पाकिस्तान जो कि अपने आप को दुनिया की नंबर वन टीम कहलाता है, दुनिया के नंबर वन बैट्समैन पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के नंबर वन बॉलिंग अटैक लाइनअप पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ऐसी घटिया शिकस्त, पहला मैच यूएसए से हारे और दूसरा इंडिया से हारने के बाद पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप 2024 का सफर तमाम हुआ। और दोबारा बाबर आजम की कैप्टनसी में टीम बड़े इवेंट के अंदर फ्लॉप होकर जल्द ही घर वापस रवाना हो गई।
अबे रोहित शर्मा की कप्तानी में बोलते रहे, तुम्हारे मुंह पे छाले पड़ते, अबे निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो भी नहीं आज, वही डूब के मर जाओ, निकलो ही नहीं आज, कोई नेपाल नहीं जाएगा, आज कोई नासिर हुसैन के पीछे नहीं छुपेगा, नहीं छुपेगा, आज बर्बाद कर दिया जाओगे, दफना दिया जाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने हम जैसों का दिल खत्म कर दिया क्रिकेट से लेके, मर जाओ डूब जाओ। I'll start with you, Shoaib. You were quite emotional by the end there, just sort of watching Pakistan capitulate, for want of a better word. What were your takeaways from what we've just seen? I think we should give credit to Pakistan. They tried their best to lose this game. Shocking, surprised, disappointed, but disappointed with the performances of Pakistan batters. और बड़ा अच्छा चांस था हमारे पास कि आज हम जैसे भी था गिरते पड़ते हम ये मैच जीतते, अपने पॉइंट्स लेते, और उसके बाद फिर हम एक स्ट्रेटजी फॉर्म करते, फिर हम एक सेट करते कि एक टून सेट करते कि हम हमने फर्दर क्या खेलने, हम इससे पहले यूएसए के खिलाफ वो मैच हार गए हैं और अब इंडिया के खिलाफ जीत चले हैं। देखिए सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट इंडियन टीम्स प्लेइंग वेल, विनिंग वंस अगेन। पाकिस्तान के लिए एक ऐसा रिजल्ट है जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि एट वन स्टेज पाकिस्तान वॉज क्रूजिंग एंड विनिंग द गेम, restricting Indian batting and 119 was a massive special effort from the bowlers. कैसे 48 पे 48 runs रह गए, 8 wicket in hands है। पाकिस्तान इंडिया का जो खेल है वो स्किल से नहीं जीता जा रहा, वो मेंटल अप्रोच से जीता जा रहा है। पाकिस्तान मेंटल ब्लॉक है, चार मैनेजमेंट बदल गई एक साल के अंदर, लेकिन कुछ नहीं बदला। नहीं तो डिसीजन वैसे हो गया, क्या बदलना चाहिए? क्या मैनेजमेंट खिलाने वालों को बदलना चाहिए या खेल जो खेलने वाले उनको बदलना चाहिए? नहीं, देखिए आप उन लोगों को बदलें जो पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। ऐसे भाई खफा हो रहे हैं, मैं इनसे पुराना टीवी कर रहा हूँ भाई गुस्सा कर रहे हैं, उन्होंने चेंज नहीं होना। याद रखना आप एवरेज बंदों से, एवरेज लोगों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज डिमांड कर रहे हैं, आपको नहीं मिलेगी। मैं पिट पिट के थक गया 10 साल से मीडिया कर रहा हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया किया हुआ, मैंने सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस दिए हैं, ट्रस्ट मी। मीडियोक्रेसी जब आ जाती है ना, वहाँ से फिर आप आगे नहीं निकल सकते। देखिए जब जब वो यहाँ आते हैं तो वो हमेशा, और खासकर पाकिस्तान के खिलाफ बिकते रहते हैं, वो हमेशा आउट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो हम बात, हम देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि मैच विनर, मैच विनर, मैच विनर, मैच विनर। अब हम इंडिया की बात करें तो सिर्फ रोहित शर्मा पे, विराट कोहली पे वो नहीं खेल रहे, जसप्रीत बुमराह पे नहीं खेल रहे। उनको उन्होंने एक ऐसा फॉर्मेट अपने उन्होंने बना लिया है कि उनके पास ऊपर से मिडल में और नीचे में आपको मैच विनर मिलेंगे। तो हार्दिक पांड्या जो है वो हम बाजूकत, हम शायद ये जैसे हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि शादाब खान की बैटिंग पे या बॉलिंग पे, ठीक है जी, इमाद वसीम की बॉलिंग या बैटिंग पे।